हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 9, सब्जेक्ट मैथ्स की। हर बार की तरह वर्कशीट को पहले समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 को इसी 7 के साथ 5 बार इंटू किया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। फिर इसको हम छोटा करके ऐसे लिखते हैं, 7 जो होता है इसका बेस, और ऊपर जो लिखते हैं वो इसकी होती है एक्सपोनेंट यानी पावर। ठीक है, 5 बार कर रहे हैं तो पावर 5 है। ठीक, ऐसे ही 1 की पावर 5 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। बट -1 की पावर अगर ऑड होती है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, तो -1 आएगा। और अगर इवन पावर होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ लिखा है 50, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। इसको हम कुछ ऐसे लिखकर और 10 की पावर 5 में लिख सकते हैं। इसमें 10 जो है ना वो बेस है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट या उसका पावर है। जिसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो दोबारा से ये उतना ही हो जाएगा। लास्ट नंबर जैसे ये है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो 8, 10 की पावर 6। अब देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर 6 यहां से आ गया 8 के पास। ऐसे ही 9 के पास, 9 के बाद 5 है तो 10 की पावर 5 आ गया। ऐसे ही इस वाले 9 को भी हमने करा, और ऐसे करके इसको हमने लास्ट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। ऐसे ही हमें अगर यूरेनस का मास लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से गिनेंगे 25 कैसे आया। यहाँ देखेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 22, 23 और पॉइंट यहां लगाया है तो 2 0 इसके भी ले लिए, तो हो गया 25। 8.68, 10 की पावर 25। कुछ इसके फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे देखो ये 7 और 7 बेस सेम है, तो इसको जब इक्वल टू करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेस अगर सेम हो और अगर हम बीच में डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स एक दूसरे में से घटा दी जाती हैं। देखिए यहाँ पर a बड़ा है और b छोटा है, तो a माइनस बी कर दिया हमने। ऐसी 9 की पावर 6, 9 की पावर 4 में 6 माइनस 4 कर दिया, डिवाइड हो रही थी, बेस सेम है तो पावर्स घटा दी जाती हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 3 की पावर 2 ब्रैकेट के बाद 5। तो जब ये ब्रैकेट बीच में आता है तो इसका मतलब होता है इंटू, तो हमने यहाँ इंटू कर दिया, 3 की पावर 10 लिख दिया। यहाँ पर x की पावर a, y की पावर a है, तो x y की पावर भी a होगी, और इसको हम x y a भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 4 और 5, तो 5 चौक 20 कर दिया, और ऊपर जो पावर थी 3 वो 20 की पावर 3 हो गई। यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। जब बेस अलग अलग होती है, पावर सेम होती है, तो हम इसे इकट्ठा तो कर सकते हैं बट पावर हम उसके बाहर लगाएंगे। यहाँ पे क्या है देखो आप, 15 डिवाइडेड बाय 5 अंदर कर लिया और 4 को बाहर निकाल लिया, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 3 और ऊपर आ गया 4। x की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो फाइनली उसका आंसर 1 ही आता है। जैसे 999 है, इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 ही होता है। अब हमने वर्कशीट को समझ लिया है, अब सवालों को करते हैं। सबसे पहले है 7 की पावर 200 किसके बराबर होगा, वो होगा इसके बराबर। जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 7200। ठीक है, कहा गया है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का डायमीटर जो होता है 2.5 नैनोमीटर। इसको मीटर में लिखना है, तो हमें ये पता है कि इस नैनोमीटर को हम कहते हैं 10 की पावर -9। तो 2.5 × 10 की पावर -9 हमारा आंसर सी हो जाएगा। कहा गया है कि ह्यूमन फिंगर नेल जो है वो 1 नैनोमीटर ग्रो करती है 1 सेकंड में, तो 24 घंटे में उसकी लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो बात ये है कि 1 × 60, ये हो गया 1 मिनट में, इंटू 60 किया तो 1 घंटे में, और 24 घंटे की बात हो रही है, तो फाइनली हमें करना है 6 × 6 × 24 × 100, ये हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हमें पूछा गया है कि सेंटीमीटर में कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 6, 4, 00,
नैनोमीटर। अब जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 8.64 × 10^-3। ये क्वेश्चन तो आसान है, 9 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 4 यानी 8 हो जाएगा, इंटू 9^5। और फिर ये जब सॉल्व होगा तो डिवाइडेड बाय 9^8। तो ये जब अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम बेस है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 8 + 5 हो जाएंगी, और इसके बाद है डिवाइडेड बाय 9^8। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 9, 8 + 5 डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस होती हैं, तो फाइनली 9^5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। कहा गया है कि जब दूर का डिस्टेंस नापना होता है तो हम लाइट ईयर में नापते हैं। ऐसे ही एक लाइट ईयर की इतने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो ऑस्ट्रोनोमर्स जो हैं वो स्टार्स को देखते हैं 5 लाइट ईयर दूर है धरती से, तो इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये किलोमीटर में तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले इसको 95 × 10^1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10^11, ठीक है। इसके बाद ये 5 हमें 5 लाइट ईयर निकाल रहे थे तो 5 कर दिया, तो अब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 7 5 × 10^11। भाई 4 7 5 तो सब में है लेकिन पॉइंट जब इधर बढ़ते हैं, जब इधर हम बढ़ते हैं तो इधर पावर हमारी बढ़ती है, तो पावर जब हम 2 पॉइंट इधर आएंगे तो यहाँ पर +2 पावर हो जाएगी, तो हमारा आंसर डी आ जाएगा, 4 7 5 × 10^13। ये ध्यान रखिएगा पावर जब हम नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, उल्टी साइड की तरफ चल के पॉइंट लगाते हैं तो पावर उतनी ही बढ़ जाती है जितने पॉइंट हम आगे बढ़े हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरी वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कराई। अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।